है तो दिस इज द द ब्रेकअप ऑफ इंग्लिश सेक्शन तो आप देख सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कर आए हैं इसलिए मेरा फोकस सबसे पहले यही है कि आपको थोड़ा सा आइडिया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का लग जाए सो यू कैन सी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से यूजुअली स्टूडेंट्स घबराते हैं जबकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सबसे डुएबल सेक्शन होता है राइट तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको आपको खूब मेहनत करनी है और आपको देखना है कि भाई अगर इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है इतना इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर एरिया है हमारे पेपर में तो फिर हमें यहाँ पर जी जान लगा देनी है है ना बाकी आप देखेंगे ग्रामर से भी फाइव क्वेश्चन आए हैं वो कैप फिलर्स यानी फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन

को पिक करो और बताओ वो सेंटेंस जो इस पैराग्राफ को एक लॉजिकल कंप्लीशन देता हो राइट इसके अलावा पैरा जम्बल्स क्या होते हैं कि आपको पांच सेंटेंसेस या चार सेंटेंसेस दे देते हैं वो जम्बल अप फॉर्म में होते हैं आपको उनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है तो हम ये सारे टॉपिक्स को हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर बात कर रहे हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हम बेस सेटिंग कर रहे हैं देखिए ये ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ पर आपको कुछ ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा सो दैट यू आर रेडी टू सॉल्व द एक्चुअल क्वेश्चन तो क्या ग्राउंड वर्क करना होता है क्या नहीं करना होता वो हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे तो पहला सजेशन है कि आप रीड करिए राइट देखिए क्योंकि आप फ्यूचर मैनेजर बनने का सोच रहे हैं आई आई एम्स में जाने का सोच रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए और रीडिंग सिर्फ आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन में बेनिफिट नहीं करती ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने में भी एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है देखिए जितना वेल well रेड आप हो गए उतने आप अच्छे स्पीकर बनते हो उतने ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होते हो राइट आप देखोगे कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनको बोलना बहुत अच्छा आता है जो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं पर अगर कोई एक ऐसा एरिया आ गया जिन पर उनका एक्सपर्टीज नहीं है उनको कमांड नहीं है उनको इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो क्या ही बोल पाएंगे राइट आपको जनरल अवेयरनेस में हेल्प करता है आपको जीके के क्वेश्चन में डेफिनेटली एक एज मिलेगा और कहां पर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हेल्प कर इंटरव्यूज में बहुत हेल्प करता है आपका कंटेंट स्ट्रांग हो जाता है तो रीड एज मच एज यू कैन अब रीडिंग का जब पहला क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हम तो बोर हो जाते हैं हमारा मन नहीं लगता रीडिंग में तो हम क्या करें तो मेरा एडवाइस ये है कि आप सबसे पहले उन एरियाज़ उन टॉपिक्स को रीड करिए जहां पे आप इन्जॉय uh, करते हैं राइट तो अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट सपोर्ट्स सपोज स्पोर्ट्स है तो आप स्पोर्ट्स के पैसेजेस को पढ़ लीजिए अगर आपका मूवीज से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो आप किसी फिल्म का मूवी रिव्यू पढ़ लीजिए राइट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो पॉलिटिकल टॉपिक्स पे भी इंटरेस्टेड रहता हूँ या रहती हूँ आप वो टॉपिक्स पढ़ सकते हो जब आपने पाँच छः दिन बेस सेटिंग कर ली तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे रीड करने में अब मज़ा आने लगा है या उतना बड़ा हर्डल नहीं है जो मैंने अपना दिमाग में बना था तो इसका नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होगा इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप धीरे धीरे उन टॉपिक्स को अप्रोच करिए जो आपको पसंद नहीं है जैसे अगर मेरे को पता है कि मुझे स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं स्पोर्ट्स से बिगिन करूँगी फिर मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो पॉलिटिक्स में भी है तो मैं ग्रेजुअली ट्रांसेंड करूँगी टुवर्ड्स पॉलिटिक्स और कुछ दिन सिर्फ पॉलिटिक्स के आर्टिकल्स पढ़ूंगी राइट और अगर आपके पास यू uh, नो you know, आपको ऐसा लगता है कि मैं तो हर तरह के आर्टिकल्स पढ़ सकती हूँ तो सबसे बढ़िया रिकमेंडेशन है किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ लीजिए वहाँ पर हर कैटेगरी के पैसेजेस हैं हर टाइप के आर्टिकल्स हैं तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा राइट सो टू बिगिन विद आप न्यूज रीडिंग से अलाइन करो खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो मैं आपको बुक्स भी आगे रिकमेंड जरूर करूंगी सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें वोकेबलरी बिल्डिंग पे भी काम करना पड़ेगा मैं आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी जहाँ पे आप कैसे वोकेबलरी को बिल्ड कर सकते हो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ कि आपको रट्टा नहीं मारना यू आर नॉट सपोज टू क्रैम द वर्ड्स ये सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स की वो रट्टा मारते हैं सो वेन यू आर क्रैमिंग आपके जो वर्ड्स हैं बहुत शॉर्ट लिव्ड रहते हैं आपको लॉन्गर रन में वो वर्ड्स याद नहीं रहते और अगर आपको याद नहीं रहते तो आपको लगता है यार मैंने मेहनत करी और मुझे रिजल्ट भी नहीं मिला तो क्या वेरियस स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं वो जरूर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इन आर अपकमिंग वीडियोस ये ध्यान रखिए कि कई बार स्टूडेंट्स को कब नया सा वर्ड मिल जाता है वोकेबलरी का तो स्टूडेंट घबरा जाता है राइट right? और हम नहीं चाहते कि ऐसी घबराहट आपको एग्जाम में हो तो दिस इज द राइट टाइम क्योंकि अब हार, अब हमारे पास पूरा एक साल है तो हम इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे और वोकेबलरी बिल्डिंग में डेफिनेटली काम करेंगे और यहाँ पर एडवांटेज ये है कि आपको वोकेब बेस्ड क्वेश्चन भी मिल रहे हैं पेपर में इन द इंग्लिश सेक्शन तो वो भी आपको एज मिलेगा ही अगर आपका वो कैप स्ट्रांग है तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पर आपके लिए जरूरी है कि आप जब भी रीडिंग कर रहे हैं तो आप ओवरऑल पिक्चर को समझने की कोशिश करें राइट यू शुड बी एबल टू रीड इन बिटवीन द लाइन ऑल्सो कि क्या एक्चुअल है जब ऑथर ने ये पर्टिकुलर पैसेज लिखा है या आप अगर कोई न्यूज पेपर का आर्टिकल पढ़ते हो तो कोशिश करो जानने की कि क्या दिमाग में रखा होगा क्या सोचा होगा क्या कन्वे करना चाहता है ऑथर जब उसने ये पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है राइट right? तो जब हम बहुत अच्छे से पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस मैनिया टाइम्स इंक्रीज हो जाता है और हम ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्टिवली क्वेश्चन को डील कर पाते हैं तो जब भी पैसेज को रीड कर रहे हैं कोई आर्टिकल को रीड कर रहे हैं तो सुपरफिशियली मत रीड करिए कि हाँ पढ़ लिया पढ़ने के बाद पता नहीं क्या हुआ था क्योंकि मैम ने कहा है कुछ पढ़ना है तो हम पढ़ लेते हैं राइट उस तरीके का यू नो लो ऑन कॉन्फिडेंस लो ऑन एफर्ट वाला एटीट्यूड मत रखिए अग्रेसिव रीडिंग करिए कि मतलब आपको मजा आ जाए आपको पता चल जाए क्या बात हो रही है क्या विजन था ऑथर का जब उसने आर्टिकल लिखना शुरू किया क्या क्या अचीव करना चाहता था अपने रीडर को कालेशन कन्वे करना चाहता था वो सब क्लैरिटी आपको डेफिनेटली हो जानी चाहिए जब आप पैराग्राफ को रीड कर लें अब ये धीरे धीरे नहीं आती अब आप अगर सपोज करो पहली बार ही न्यूज को उठा के पढ़ रहे हो तो आप ये सोचो कि मैं तो दो तीन पैराग्राफ्स पढ़ लूंगी आर्टिकल्स पढ़ लूंगी और मैं सुपरमैन सुपर वुमन बन जाऊंगी तो भाई नहीं धीरे धीरे राइट सो वी आर बिगनिंग अर्ली ताकि आपको एज रहे तो एकदम से तुरंत आपको आउटपुट नहीं दिखेगा इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा पर अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालोगे ना तो सक्सेस डेफिनेटली आपकी होगी आपको पता है मैट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो आप अगर आप कंसिस्टेंट रहो और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि स्टूडेंट को लगता है अभी तो मेरे पास और टाइम है अभी तो मेरे पास और टाइम है बीच में कोई ना कोई रीजन की वजह से वो डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं राइट उनकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है एक बार आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई आपका मोमेंटम ब्रेक हो गया से, मतलब ऐसा मत कि मैंने चार दिन पढ़ लिया अब तो मुझे सब कुछ मुझसे हो जाना चाहिए राइट हर इंडिविजुअल का पेस अलग है आप एक स्किल सेट अक्वायर कर रहे हो राइट और हमारे पास टाइम है तो कभी भी जल्दबाजी ना करें कि जल्दी से रिजल्ट दिखे राइट पेशेंस रखिए यहां पर क्योंकि हो सकता है में से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हों जिनका बेस इंग्लिश का नहीं है पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकते अगर हम सेंसर एफर्ट करेंगे तो हमें डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा नेक्स्ट मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि हमारा अल्टीमेट एम हमको पता होना चाहिए कि हमें करेक्ट आंसर तक पहुंचना है तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको पैसेज को कैसे रीड करना है क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है आंसर चॉइसेस को कैसे डील करना है वो हम सारा का सारा स्ट्रेटजी डिस्कशन हमारी क्लासेज में करेंगे आपको सिखाऊंगी मैं कि आप करेक्ट आंसर तक कैसे पहुँच सकते हो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं और ये गलतियाँ आपको नहीं

नेक्स्ट मंथ रिवीजन करने की कोशिश की कोई टेस्ट देने की कोशिश करी किसी ने आपसे उस लिस्ट में से वर्ड्स पूछ लिए और आपको एक भी याद नहीं है तो आपने इतना टाइम खराब किया ना राइट right? अगर वही एफर्ट आप सही डायरेक्शन में करते तो आपको रिजल्ट मिलता वो सिमिलरली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ पहला और आखिरी पैराग्राफ पढ़ लूंगी और मुझसे क्वेश्चंस निकल जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होने वाला राइट right? कई बार स्टूडेंट्स बहुत जल्दबाजी में पढ़ने की कोशिश करते हैं बिना समझे कि पैसेज क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कोई फायदा नहीं है उससे राइट ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाना बिना ये समझे कि कहानी क्या चल रही है कोई आउटपुट नहीं निकलेगा और स्टूडेंट्स को इतनी जल्दबाजी रहती है कि मैं क्वेश्चंस तो you know, को अब हम सॉल्व करते हैं क्या रीड करना तो जब आपको इंफॉर्मेशन ही क्लियर नहीं है तो आपके करेक्ट आंसर्स कैसे निकलेंगे तो ये यूजुअल ब्लंडर्स हैं जो आपको नहीं करने जब आप एक्चुअल प्रेपरेशन कर रहे हो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसी गलतियाँ ना करें जो आपको डिसअपॉइंट करें जो आपको डीमोटिवेट करें आपके पास अगर आप ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो आपके पास ऑलरेडी बोर्ड्स का प्रेशर है और यहाँ पर आप एक आईपी मैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप देखोगे तो जेई में और नीट में कितना कंपटीशन तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर कंपटीशन कम है और यहाँ आप सीधे आई में पहुँचते हो तो हमें समझना है कि जब हम इतना बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं हम अपनी पूरी लाइफ को शॉर्ट कर सकते हैं तो हम जो भी करें वो सही करें ताकि हमें करेक्ट रिजल्ट मिले डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिले है ना चलिए तो कैजुअल रीडिंग करना छोड़ दीजिए आप असेंस मतलब ऑथर कहना क्या चाहता है वाई द ऑथर पैराग्राफ रिटर्न इज़ द डिस्कशन अगर आप ये मिस कर रहे हो तो फिर आपने पैसेज नहीं, नहीं समझा तो, तो क्वेश्चन एक, uh, you know, एक तो क्वेश्चन जरूर आएगा जो पूछेगा कि ओवरऑल पैराग्राफ क्या कन्वे करना चाह रहा था वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बिल्ड हुई तो क्वेश्चन कैसे करेक्टली आंसर करोगे राइट right? हम बहुत सोचते नहीं है कि हमने क्या रीड करा तो अब आगे से जब भी आप जैसे मैंने

एक बार पैराग्राफ पढ़ने में कितना परसेंट समझ में आ रहा है उसका मतलब ये नहीं कि आप घबरा जाओ अगर आपको दस परसेंट समझ में आया या बीस परसेंट समझ में आया आप ये सोचो कि मेरे को आज बीस परसेंट समझ में आया जब मैं अगले दिन रीड कर रही हूँ या तीन चार दिन बाद अगर मैं कंटिन्यूसली रीडिंग कर रही हूँ तो क्या मैं एक परसेंट दो परसेंट का इंप्रूवमेंट देख रही हूँ प्रोग्रेस आपको कैसे पता चलेगी तभी पता चलेगी जब आपको पता हो कि एट प्रेजेंट आप क्या कहाँ पर हो राइट सो नॉट कनेक्टिंग द कॉर्ड्स का मतलब है कि अगर एक पड़े आर्टिकल में मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं तो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और कौन सा एक कॉमन आइडिया जो फ्लो कर रहा है थ्रू आउट द डिस्कशन वो जानना जरूरी है अगर ये क्लैरिटी नहीं बैठेगी तो आप एक्चुअल एम क्या है हमारा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन सही हो जाए तो फिर वहां पर आपको मुश्किल आएगी राइट और कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ये बिगनिंग में सबको चैलेंज आता है राइट right? कोई आप अनोखे नहीं होगे जिनको ये परेशानी आ रही होगी कि कई बार एक बहुत लंबा सेंटेंस आता है तो हमारा कई बार फोकस नहीं बैठता मोमेंटम नहीं बैठता तो स्टूडेंट उसी लाइन को बार 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 बार, बार, बार रीड करते हैं तो ये वाली गलती ना करें चाहे आप एक मिनट ले लें एक सेंटेंस को कम्प्लीट करने पे। पर यह जो बार 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 घूमने वाला ट्रैप है ना इसको तोड़ दीजिए राइट right? तो ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई लंबा सेंटेंस आएगा तो मैं

प्राइमरी पर्पज़ है क्यों बात करना चाह रहे हैं क्यों लिखा है पैसेज देखिए दो अलग अलग सवाल है मेरा नाम क्या है जूही वॉट इज माई नेम माई नेम इज़ जूही वाई इज माई नेम जूही दो अलग अलग सवाल है ना स्टूडेंट को एक जैसे लगते हैं राइट बट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स मेन आइडियाज वॉट इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी पर्पज इज वा यू नो वाई स्ट्रक्चर और सीक्वेंस होता है कैसे आइडियाज फ्लो कर रहे हैं पैसेज में मतलब ऑथर ने पैसेज को लिखा कैसे सपोज करिए पहले एक इंट्रोडक्शन दिया फिर पॉजिटिव्स की बात करी थ्योरी की फिर नेगेटिव्स की बात करी फिर ऑथर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया तो कैसे कैसे आइडियाज डेवलप हुए पैसेज में हाउ आर द आइडियाज फ्लोइंग स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे हैं तो वो आपके स्ट्रक्चर के क्वेश्चन होते हैं टोन क्या है हाउ इज द ऑथर फीलिंग मतलब ऑथर सैड था एक्साइटेड था पॉजिटिव था न्यूट्रल था क्रिटिसाइज कर रहा था अप्रिशिएट कर रहा था इंस्पायर कर रहा था भाई हाउ हैज ही रिटर्न द पैसेज इसको ऐसा समझिए कि सपोज एक स्टूडेंट मेरी क्लास में लेट आए और जैसे ही वो लेट आए मैं कहूँ क्यों लेट आते हो यार हर बार तो द टोन इज नेगेटिव राइट क्रिटिसाइजिंग अगर स्टूडेंट लेट आए क्लास में और मैं कहूँ यार आज तुम लेट हो गए सब ठीक है ना तो द टोन इज पॉजिटिव और अगर स्टूडेंट क्लास में लेट है और मैं कोई रिएक्शन नहीं कह रही हूँ चुपचाप आके बैठ गया तो टोन तो न्यूट्रल है राइट अब्दुल कलाम साहब की कोई बुक पढ़ेंगे टोन इंस्पायरिंग है कोई एक विपक्ष का नेता जो लीडिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट कमेंट देता है तो वो यूजुअली टोन क्रिटिसाइजिंग हो जाती है समझ गए सो so, आपका टोन मतलब कैसे ऑथर लिख रहा है अगर ऑथर ने कहा कि ये थ्योरी आई है और उसके पचास बेनिफिट्स हैं बहुत ही फायदा कर देगी टोन पॉजिटिव हो गई या फिर कोई यू uh, नो you know, कोई रूल पास हुआ कोई रेगुलेशन पास हुआ और कहा कि भाई इसके तो इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं तो टोन नेगेटिव हो गई कई बार क्या कह रहा है कोई साइंटिफिक फिनोमिना ऑथर ने सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया कोई पर्स्पेक्टिव नहीं दिया उसने कहा ये थ्योरी ऐसे काम करती है तो टोन न्यूट्रल है राइट सो दिस इज हाउ टोन क्वेश्चन का मतलब होता है आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स प्रोवाइडेड टू यू तो जो आपको फैक्ट्स प्रोवाइडेड है उनके बेसिस पे आप क्या लॉजिकली कंक्लूड कर सकते हो वो आपका इन्फ्लुंस हो गया राइट right? जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है राइट right? और इसके बेसिस पे पूछा कि आप क्या कंक्लूड कर सकते हो तो ऑथर अगर कहे ए इज़ ग्रेटर देन सी कंक्लूड कर सकते हो तो आपका जवाब होगा हाँ सो so, इसमें इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोवाइडेड नहीं है बट आपको कुछ सेंटेंसेस प्रोवाइडेड हैं उनके बेसिस पे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो वो होता है इन्फ्रेंस का क्वेश्चन और रिट्रीवल क्या है रिट्रीवल का क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का तो इंफॉर्मेशन को फेच करने का यानी आपसे पूछा एक ऑथर ने छह वीकनेसेस uh, की बात करी है सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट वीकनेस उसमें मैंशनड है आपने पिक कर लिया या कहा कि इनमें से कौन सी वीकनेस की बात नहीं करी है सो so इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है आप उसको उठा के लाओगे और क्वेश्चन को आंसर कर दोगे तो वो रिट्रीव करना हो गया फेच करना हो गया ठीक है और उसके बाद वो कैबलरी इन कॉन्टेक्स्ट वी का क्या मतलब होता है वो कैबलरी इन कॉन्टेक्स्ट यानी कि आपको एक वर्ड का मीनिंग पूछ लिया तो सेंट सेंटेंस में पैराग्राफ के किसी सेंटेंस में एक टेक्निकल डिफिकल्ट वर्ड दे दिया और आपसे पूछा इस वर्ड का मीनिंग क्या है तो इस तरह के मेजरली आपको क्वेश्चंस दिखेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में और हमें क्या करना है आंसर चॉइसेस में हमें श्योर sure होना है कि आर वी पिकिंग अप द राइट आंसर तो इसका मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को सजेशन देती हूँ कि आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करिए प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का मतलब होता है कि आप इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करते जाओ जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है राइट right? यूजुअली हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं अब इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि आप एक सिंपल कैलकुलेशन करो सेवन इंटू सपोज हम एक मैथ्स क्लास में बैठे हैं सबको बेसिक मैथमेटिक्स आती है और सेवन इंटू का आपको एक क्वेश्चन दे दिया सब कहेंगे मैम ट्वेंटी वन है इसमें क्या रॉकेट साइंस है सबका आंसर ट्वेंटी आ रहा है बट अब इस क्लास में अगर इंग्लिश की क्लास में और मैंने सबको एक पैसा रीड करने को दे दी। और मैंने कहा पैसेज के बाद सब मुझे इसकी समरी बताओगे तो डिफरेंट तरीके से आंसर निकल कर आएगा राइट सबकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी यूनिकनेस नहीं तो एलिमिनेट कर दीजिए मतलब जो इनकरेक्ट है आप उसको निकालते जाओ तो आपको श्योर होना चाहिए कि ए मेरा आंसर क्यों नहीं है बी मेरा आंसर क्यों नहीं है सी मेरा आंसर क्यों नहीं है और फिर डी जो बचेगा वो करेक्ट आंसर होगा सो कीप ऑन एलिमिनेटिंग द इनकरेक्ट आंसर इन रिमेन्स आंसर सर्व एज द राइट आंसर हम क्या करते हैं एक्सट्रीम आंसर्स को एलिमिनेट कर देते हैं कोई ऑथर के क्लेम से ज्यादा स्ट्रॉगर क्लेम करेक्ट आंसर थोड़ी हो सकता है आपको सोच के देखो आंसर चॉइसिस तो कोई भी क्रिएट कर सकता है आपको मैं पैसेज दे दू आप क्रिएट कर लोगे मैं, मैं कर लूंगी मेरी एक फ्रेंड कर लेगी कोई और टीचर कर लेंगे बट अल्टीमेट अथॉरिटी किसकी है वो तो हमेशा ऑथर की है सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी अवॉइड एक्सट्रीम आंसर्स गिवन इन द डिस्कशन इस पॉइंट को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सो वॉट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड तो अब आपको क्या करना है आपका सबसे पहला टास्क है कि थोड़ी सी रीडिंग में फ्लुएंसी लाएं आपको घबराहट ना हो आपका फियर ओवरकम होता जाए क्योंकि कई बार क्या होता है पैसेज देखा आप सपोज साइंस के स्टूडेंट हो पैसेज आ गया एंथ्रोपोलॉजी पे राइट या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो पैसेज आ गया बायोलॉजी पे या फिर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो आपको फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है उस पर पैसेज आ गया तो आप क्या करते हो इमीडिएटली घबरा जाते हो या आप बोर होने लग जाते हो या आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता तो आपको पहले ये कोशिश करनी है कि थोड़ी सी रीडिंग ऑन रेगुलर बेसिस बहुत ज़्यादा नहीं आप दस से पंद्रह मिनट भी अगर रोज निकाल लोगे रीड करने के लिए उतना सफिशेंट है वो तो आप आसानी से निकाल सकते हो राइट अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आप अपनी स्कूल बस में पढ़ लो या फिर अगर दो क्लासेस के बीच में टाइम है तो आप कोई न्यूज़पेपर ले जाओ अपने बैग में वो एक उधर से एक आर्टिकल पढ़ लो या सुबह दस मिनट जल्दी रेडी हो जाओ या रात को दस मिनट लेट से हो जाओ तो आप दस से पंद्रह मिनट कहीं भी निकाल लोगे राइट बस इच्छा होनी चाहिए निकालने की तो उससे क्या होगा एवरी डे यू विल बिकम बेटर तो ये आप सोच लीजिए दिन के दस से पंद्रह मिनट मुझे एक्सक्लूसिव रीडिंग करनी है राइट उसमें मुझे देखना है कि कौन सा आर्टिकल मेरे है कि अपना जो है, उसको बिल्ड करते जाना है। ऐसा नहीं है आप हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक में कॉन्फिडेंट हो जाए कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने बहुत अलग अलग टाइप की रीडिंग कर रखी होती है तो एग्जाम में अगर कोई नया टॉपिक भी आ जाए तो उतनी घबराहट नहीं होती क्योंकि आपने ग्राउंड वर्क कर रखा है राइट तो अब कभी आपके लिए सर नहीं पड़ेगा अगर आपका ग्राउंड वर्क सॉलिड है तो और 10 से 15 मिनट आप कहीं भी मैनेज कर लेंगे ठीक है उसमें अगर आपको कोई नया वर्ड मिल गया तो आप वो वर्ड को मार्क कर लो एक कॉपी बना लो जिसमें जो जो नए वोकेबलरी के वर्ड्स आप सीखते जा रहे हो उसको लिखते जाओ उसके बाद आ, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो जैसे एक ऐप का रिकमेंडेशन मैं दे देती हूँ आपको मेरीअम वेबस्टर है इसमें आपको मीनिंग मिल जाएगा वर्ड का तो उसका मीनिंग लिख लिया तो आप कोशिश करो आपने एक नया वर्ड सीखा तो पूरे दिन में कोई ना कोई सेंटेंस में कहीं ना कहीं उस वर्ड को यूज़ कर लो राइट तो उससे क्या होगा आपका वर्ड ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा कोशिश करो जब कोई पैराग्राफ आप रीड करो तो उसकी समरी बनाने की कोशिश करो इससे हमें यह समझ में आ जाता है कि हमें कितना समझ में आया ये मैंने आपको पहले भी बोला तो समरी गिव्स यू द एग्जैक्ट आइडिया इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड दैट वॉट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन और वाई द ऑथर इज़ रिटन द एंटायर पैराग्राफ एंड यू कैन पिक अप द की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सजेशन है अगर आपको यू नो ऑनलाइन पढ़ सको तो आप ऑनलाइन रीडिंग कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है ठीक है वो कैबलरी बिल्डिंग पे हम बहुत ध्यान देंगे क्योंकि हमारे पास वो कैबलेरी के डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में आपको मैंने पेपर पैटर्न ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का अभी दिखाया उसके बाद वेरिड कंटेंट पढ़िए जैसा मैंने कहा अगर एक ही तरह के आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो कोई नया आर्टिकल आ जाएगा तो उससे घबराहट होगी राइट सो प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर रीडिंग टॉपिक्स विच आर ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स और मेंटल बैरियर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है देखिए दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं एक कहते हैं कि इंग्लिश कोई पढ़ने की चीज़ है अगर आप एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से आते हैं तो हमें लगता है कि यार क्योंकि हमें लैंग्वेज समझ में आती है तो इतना कोई बड़ा हर्डल नहीं होगा बट एक्चुअली एग्जाम में जाने से पहले आपको थर प्रेपरेशन चाहिए हर्डल्स तब भी आते हैं अगर आपका कोई फेवरेट एरिया नहीं है आपका इंटरेस्ट एरिया के बियॉन्ड कोई आर्टिकल आ आ आ गया कुछ कुछ फैंसी टर्म्स गई ऐसे वर्ड्स गए जो आपने पहले नहीं देखे हुए तो आप जूझोगे यू विल बी स्ट्रगलिंग इन द एग्जाम राइट सो प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट दैट आई डोंट नीड टू स्टडी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से आते हो तो स्टूडेंट को लगता है कि मैम ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है हम कैसे करेंगे हमारा कोई बेस नहीं है तो फिर मैं कहती हूँ कि आप यार बहुत सारे देख लो ना अगर आप कंगना रनौत को देखेंगे तो पहले वो कैसे इंटरव्यूज देती थी और अब वो कैसे इंटरव्यूज देती है क्या फ्लुएंसी आ गई है राइट अगर आप बहुत सारे क्रिकेटर्स देखोगे तो आप उनके पहले के इंटरव्यूज देखो उनके अभी के इंटरव्यूज देखो महेंद्र सिंह धोनी मतलब हम इतने महेंद्र सिंह धोनी जब मैं छोटी थी तब वो क्रिकेट में आए तो अगर आप उनके पहले के एक दो एड्स देखोगे या मैन ऑफ द मैच के बाद जो सेरेमनी होती थी उसमें जो इंटरव्यू देते थे अब वो वाली वीडियोस गूगल कर लेना आज यूट्यूब पे और अब की वीडियोस देखोगे आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा राइट तो ऐसा नहीं है कि लोग सीखते नहीं है राइट right? कोई भी भाषा सीख ही जा सकती है इट इज़ जस्ट दैट आप कितनी मेहनत करते हैं और आप अपनी जर्नी पर चल रहे हैं आप ये मत कंपेयर करिए कि मेरा भाई तो चार दिन में सीख गया मेरी वो वाली फ्रेंड को तो तीन दिन में कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को क्यों नहीं आ रहा देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं अगर आपसे नहीं हो रही चीज़ तो एक आप छोड़ दो बीच में ही आपने छोड़ दी फिर तो आपको सक्सेस मिलेगी नहीं ना और एक ये कि नहीं हो रही तो मैं और मेहनत करूंगी तो उस केस में सेकंड केस में अगर आप और मेहनत करोगे कंटिन्यूसली एफर्ट करोगे तो सक्सेस मिलेगी छोड़ना गिविंग अप इज नो सोल्यूशन राइट सो प्लीज डोंट गिव अप ठीक है तो मेंटल बैरियर्स मत क्रिएट करिए और प्रैक्टिस का हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है राइट right? तो कभी ये मत सोचिए कि मैं मेहनत नहीं करूंगी तो मुझे कुछ मिल जाएगा ऐसा कभी नहीं होता आपको बहुत मेहनत करनी है आप सोचिए आप सीधा आई को टारगेट कर रहे हैं राइट right? जो लोग तीन साल की ग्रेजुएशन के बाद कैट का एग्जाम देके कई सालों का वर्क 1 इयर्स एक का एक्सपीरियंस लेकर टारगेट करते हैं आप वो सपना ट्वेल्थ के बाद पूरा करना चाह रहे हो राइट तो इतना बड़ा सपना देख रहे हो जो देखना भी चाहिए तो उतनी ही मेहनत करनी है आई होप दिस मेक सेंस है ना जी चलिए तो क्या करिए केयरफुल रीडिंग करिए एक्टिव रीडर बनिए राइट समझने की कोशिश करिए लाइन क्या कह रही है बोर्डम मत आने दीजिए राइट इन्वॉल्व हो जाइए ऐसे के साथ ऐसा कर लीजिए कि मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा इसमें मैं क्या अगर मैं क्वेश्चन बनाती इस पैसेज के बेस पे बेसिस पे तो मैं किस तरह के सवाल बना सकती थी राइट डिटेल्स को मिस मत करिए ट्रांजेक्शन वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये मैं बताती हूँ आपको ये क्या होते हैं जैसे आप ये एक सेंटेंस देखिए मैंने आपको कहा आई रियली लाइक यू एंड और मैंने कहा आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करिए और दूसरा सेंटेंस कहा आई रियली लाइक यू बट इस सेंटेंस को कंप्लीट करिए तो देखिए आप दोनों सेंटेंसेस यहां तक सेम है राइट पर अगर आप पहला सेंटेंस कंप्लीट करोगे तो जो भी आप आइडिया इंसर्ट करोगे वो पॉजिटिव होगा आई रियली लाइक यू एंड लेट्स बी फ्रेंड्स आई रियली लाइक यू एंड लेट्स स्टडी टूगेदर राइट कोई भी आइडिया आप उधर इंसर्ट करें वो एक पॉजिटिव आइडिया है अगर सेकेंड सेंटेंस देखोगे आई रियली लाइक यू बट वी कैन नॉट बी फ्रेंड्स वी कॉन्ट स्टडी टूगेदर तो कोई भी आइडिया जो वहाँ पर इंसर्ट हो रहा है वो नेगेटिव आइडिया है तो यानी कि यहाँ तक तो दोनों सेंटेंसेस सेम थे फिर भी आपने जैसे सेंटेंसेस को कम्प्लीट किया वो बिल्कुल ही ऑपोजिट था कैसे आपने डिसाइड किया कि पहले में पॉजिटिव आइडिया आएगा दूसरे में नेगेटिव आपने एंड और बट को देखा यही ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं डिस्पाइट येट नंदर फोर दस तो इन वर्ड्स का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे अगर आप इन वर्ड्स को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑथर डिस्कशन को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है और अगर आपको ये क्लैरिटी बिल्ड हो गई तो आप यकीन मानिए आपकी पैसेज अंडरस्टैंडिंग मैनी फोल्ड इंप्रूव हो जाएगी ठीक है और एक सेंटेंस को मैंने बार बार कहा कि एक सेंटेंस को बार बार आपको नहीं पढ़ना ये एक बहुत बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स अक्सर कर देते हैं प्लीज़ अवॉइड दीज मिस्टेक्स राइट तो इफ़ आई हैव टू गिव यू अ नटशेल ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रीड करना स्टार्ट कर दीजिए एज़ मच एज़ यू कैन जितना हो सके रीड करिए रीडिंग का सबसे बढ़िया टू बिगिन विद सोर्स न्यूज़ है राइट right? अगर आपके पास uh, अगर बिल्कुल ही नेसेंट स्टेज पे तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से नहीं स्टार्ट करिए कुछ आसान न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर दीजिए राइट अगर आपके शहर में न्यूज़पेपर्स नहीं आते ऑनलाइन सारे न्यूज़पेपर्स अवेलेबल हैं उसमें से कोई आर्टिकल पढ़िए ग्रेजुअली डिफिकल्टी का लेवल रेस करिए पहले सबसे जिसमें मोस्ट इंटरेस्टेड हैं आप उस टॉपिक को आप सबसे पहले पढ़िए राइट उसके बाद फिर ग्रेजुअली वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को रीड करिए और मैंने आपको कहा वैरायटी अगर आपको रीड करनी है उसका सबसे बढ़िया सोर्स है एडिटोरियल्स राइट एडिटोरियल्स मतलब डिफरेंट एडिटर्स डिफरेंट यू नो वेरी पॉपुलर राइटर्स एंड ऑथर्स राइट एडिटोरियल सो उससे आपको बहुत अलग अलग तरीके का पर्सपेक्टिव मिलता है व्यू पॉइंट मिलता है अवेयरनेस बढ़ती है वोकेबलरी बढ़ती है कॉन्फिडेंस आता है आप अच्छे स्पीकर बनते हो रीडिंग के तो जितने बेनिफिट्स मैं आपको गिनाऊँ कम है राइट right? और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टोरी पढ़ोगे मोस्ट ऑफ़ देम मोस्ट ऑफ़ देम नाइन्टी परसेंट एंड मोर आर पीपल हु आर वेरी गुड रीडर्स राइट तो इतना अच्छा जो अच्छा स्पीकर होते हैं वो भी बहुत अच्छे रीडर्स होते हैं तो कोशिश करिए कि आप वराइटी ऑफ एडिटोरियल्स पढ़ें एक्टिव रीडिंग रखिए जब आपने एक पैसेज पढ़ लिया तो जब आप उसको पढ़ रहे हैं एक ही पढ़िए पर उसमें आप सोचिए कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं हो सके तो उसकी समरी लिख दीजिए हो सके तो हो सके नहीं करना ही है आपको उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स बन रहे हैं उसकी लिस्ट बना लीजिए फिर उन वर्ड्स के मीनिंग्स ढूंढ लीजिए सब मुझे सबसे बढ़िया ये लगता है कि आप सुबह एक आर्टिकल पढ़ो राइट सुबह एक आर्टिकल पढ़ा आपने आपने क्लैरिटी बिल्ड कर ली फिर पूरा दिन उसको सोचो फिर जब आप शाम को आओ जब आप पूरे दिन फ्री हो जाओ अपनी ट्यूशन से बाकी सारी क्लासेस से फिर पाँच सात मिनट बैठ के जो आपने वर्ड्स छाटे थे जो आपको नहीं पता थे उनकी मीनिंग्स लिख लिए उसकी समरी लिख ली और पूरे दिन सोचा कि यार इस आर्टिकल पर किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते थे तो अग्रेसिव रीडिंग करने का यही मतलब होता है राइट तो जितना हो सके अभी के लिए आप इन दो फैक्टर्स पे काम करिए तीसरी मेरी सलाह है कि कंसिस्टेंटली काम करिए राइट ऐसा मत करिए कि एक हफ़्ता तो आप बहुत जज्बाती होकर पढ़ रहे हैं और फिर आपने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी राइट तो जितना आप कल पे टालेंगे चीज़ें उतनी आपकी सक्सेस दूर होती जाएगी आपसे राइट जितना आप सोचेंगे कि आपको कई बार लगता है इतना सा एक पैसेज रीड करने से क्या ही हो जाएगा मेरा पर अगर आप रोज़ एक पैसेज पढ़ रहे हो ना तो तीन दिन है और उससे कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है ये आप कुछ सोच के देख लो ठीक है तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो रोज़ कंसिस्टेंटली छोटा छोटा एफर्ट डालते हैं और उसका इतना बड़ा रिजल्ट निकल कर आता है कि आप खुद को यू नो थैंकफुल हो गए खुद के लिए कि मैंने सिंसियरिटी से रोज़ एफर्ट किया राइट right? और जल्दी हार नहीं मानेंगे अभी तो जर्नी शुरू हुई है राइट सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड आई विल मीट यू विद मोर इंटरेस्टिंग सेशंस वेरी सुन टेक केयर गॉड ब्लेस यू